हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को हम स्टडी कर रहे थे, तो मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर के से आपको रूबरू करवा देता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हमारे पास सॉल्वेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। सॉल्वेंट का रोल हमने पढ़ा था, दैट इज़ प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक है, वाटर को हम एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं तो इसके जो कुछ एक फैक्ट्स थे इनके बारे में हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमारे पास जो सॉल्वेंट का रोल रहता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ा था हमने। आफ्टर दैट कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमारे पास जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं सॉल्वेंट के अंदर वो होनी चाहिए। आफ्टर दैट हमने सॉल्वेंट्स को क्लासीफाई किया था। ठीक है, हमने बताया था कि सॉल्वेंट्स आपके पास चार तरह के होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बाद जो है मैंने आपके नेक्स्ट जो मैंने थिंग आपको कही थी, दैट इज़ कि ये तो हमारे सॉल्वेंट्स हो गए। ठीक है, तो हम इस तरह से सॉल्वेंट को क्लासीफाई कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास सॉल्वेंट्स का रोल रह जाएगा। तो अब बात आएगी कि हमारे पास हम जब वाटर एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे थे एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और मैंने आपको कहा था कि ये चीपर है, ठीक है, सस्ता है बहुत ज़्यादा और आसानी से मिल जाता है। डाइलेक्टिक कॉन्स्टेंट वी वाटर का बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और आसानी से ईजिली अवेलेबल तो है ही है और नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, टॉक्सिसिटी जो है वाटर से बिल्कुल भी नहीं होती। तो मतलब आपके पास जब इतने सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वाटर के अंदर है, इतनी सारी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स वाटर के अंदर है, तो हमें जो है वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, हमें क्यों कोई और सॉल्वेंट चाहिए वाटर के अलावा, जब वाटर जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम वाटर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि नॉन एक्वो सॉल्वेंट क्या होते हैं, ठीक है, और क्यों हमें जो है वो इन सॉल्वेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर सारा का सारा इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा कि नॉन एक्वो सॉल्वेंट क्या होते हैं, क्यों उनकी जरूरत होती है, और आपसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट भी पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द नीड ऑफ नॉन एक्वो सॉल्वेंट। ठीक है, डायरेक्ट आपके पास 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम से पूछा जाता है, समटाइम्स 12 मार्क्स में भी आता है, समटाइम्स 10 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास नॉन एक्वो सॉल्वेंट होते क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज़ नॉन एक्वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो नॉन एक्वो सॉल्वेंट हमारे पास क्या होते हैं, तो मैं अगर मैं सिंपल बात करूँ, ठीक है, एक्वो सॉल्वेंट आप समझ सकते हैं, एक्वो मतलब हमारे पास वाटर। ठीक है, एक्वो सॉल्वेंट मतलब हमारे पास वाटर, जो वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है। नॉन बोल दिया आपने तो मतलब आपके पास वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं नॉन एक्वो सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट अदर देन वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट अदर देन वाटर, वाटर के अलावा हमारा जो भी सॉल्वेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलेंगे। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर तो मैंने आपको कहा था कि दो सॉल्वेंट जो हम आपके सिलेबस में पढ़ेंगे, दैट इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड एंड ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ये तो आपके नॉन एक्वो सॉल्वेंट है ही हैं। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से नॉन एक्वो सॉल्वेंट हो सकते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो है अमोनिया एज अ सॉल्वेंट है। ठीक है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आपका एज अ सॉल्वेंट है, देन आपका लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड आपका एज अ सॉल्वेंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड जो है आपका एज अ सॉल्वेंट जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पास नॉन एक्वस है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कोई भी सॉल्वेंट वाटर को छोड़ के वो आपके पास क्या होगा, नॉन एक्वस होगा। ठीक है, तो ये तो आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हुए। इसके अलावा आपके पास कुछ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं, जैसे आपको पता ही है आप अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, देन हमारे पास आप ब्यूटेनॉल वगैरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आप सभी को पता ही है बेंजीन जो है हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो ये सारे के सारे जो है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ये भी आपके पास नॉन एक्वो सॉल्वेंट का ही एग्जांपल है। ठीक है, और ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं इनका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, ये जो नॉन एक्वो सॉल्वेंट है इनका बिहेवियर जो होता है वो सिमिलर होता है जैसे आपके पास वाटर जो होता है उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है वाटर जो है हमारे पास इसकी सेल्फ आयनाइजेशन होती है। ठीक है, वाटर जो है ऑटो आयनाइज कर जाता है आपस में रिएक्ट करके, दिस विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव इज कॉल्ड एज योर हाइड्रोनियम आयन एंड दिस इज़ योर हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सिमिलरली मैंने आपके पास लास्ट लेक्चर में भी सल्फ्यूरिक एसिड की ऑटोआइनाइजेशन के बारे में बताया था कि दिस विल ऑटोआइनाइज इन टू दी दिस इज़ योर प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज़ योर बाईसल्फेट आयन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये सॉल्वेंट जो होते हैं नॉन एक्वो सॉल्वेंट ये भी ऑटोआइनाइज कर जाते हैं। कुछ हमारे पास आपको पता ही है कुछ हमारे पास नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट भी होते हैं जो कि ऑटोआइनाइज नहीं करते हैं हमारे पास। तो अभी जो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई देर इज़ नीड बिहाइंड द यूज़ ऑफ दीज नॉन एक्वो सॉल्वेंट। ठीक है, कि नीड क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नीड ऑफ नॉन एक्वो सॉल्वेंट। ठीक है, नीड ऑफ नॉन
एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, इन सॉल्वेंट्स की हमें क्यों जरूरत है, ठीक है, नीड ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ठीक है, इन सॉल्वेंट्स की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों आखिर हमें ये सॉल्वेंट्स चाहिए। ठीक है, क्यों आपके पास वाटर जो है वो फेल हुआ, ठीक है, वाटर जहाँ पे आपका यूज़ नहीं हुआ डेफिनेटली हमें वहीं पे ही आपके पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कुछ एक तो कॉमन एग्जांपल होते हैं, जैसे ऑयल होता है वाटर के ऊपर तैरता रहता है, चॉक होती है आपके पास, ठीक है, पानी में डुबो आपकी नहीं डिप करती है, ठीक है, नहीं डूबती है वो, घुलती नहीं है वहाँ पे। तो ये तो कुछ एक कॉमन से एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। ठीक है, तो फॉलोइंग हमारे पास कुछ एक रीजन्स हैं, ठीक है, हम कुछ एक मेन रीजन्स यहाँ पे यूज़ करेंगे जिनके थ्रू आप बोल सकते हैं कि हमें जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारे पास रिगार्डिंग द नीड ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज़ दैट, तो दिस इज़ योर फर्स्ट रीज़न, तो मैंने लिख दिया पहले ही, सो दिस इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी द नेचर ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स इन वाटर और एक्वस मीडियम। ठीक है, सो दिस इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी द नेचर ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये इम्पॉसिबल है कि हम कुछ एक जो हमारे सॉल्यूट्स होते हैं उनके नेचर को स्टडी करें बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो आइए स्टडी करते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपके पास कुछ एक हमारे पास सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, जब उनको हम रिएक्शन करते हैं, जब उनको रिएक्ट करवाते हैं इन द एक्वस मीडियम, ठीक है, तो उनके जो नेचर होंगे उनके बारे में हम वहाँ पे नहीं अच्छे से जान पाते। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मेरे पास सोडियम इथोक्साइड है, ठीक है, दिस इज़ योर सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ वाटर के अंदर, तो जब हम इसको वाटर के अंदर रिएक्ट करवाएंगे, दिस विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद इथेनॉल। ठीक है, सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, मैं अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, दिस इज़ अगेन गिविंग यू सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद, यहाँ से आपकी हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट हो जाती है। सिमिलरली दिस इज़ योर सोडियम एजाइड। ठीक है, अब मैं अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, दिस विल अगेन गिविंग यू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मिंग हाइड्रोजिक एसिड अलॉन्ग। सिमिलरली सोडियम एमाइड अगेन ऑन रिएक्शन विद वाटर, दिस विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सोल्यूट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज सोडियम, दे आर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनके जो नेचर होता है, इनको हम जो है इन रिएक्शंस के, ये जो नेचर्स हैं आपके पास इन सोल्यूट्स के, इनको हम वाटर के साथ जो है वो स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सोल्यूट्स जो भी हैं ये सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करवा के सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके नेचर को स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। जैसे आप सभी को पता ही है सोडियम अमाइड जो है हमारे पास, दिस इज़ यूज्ड एज अ इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, इसको हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्राइड जो होता है आपके पास एज अ बेस बिहेव करता है, आपके पास एज अ बेस भी बिहेव किया जाता है इसका। ठीक है, तो इनके नेचर को स्टडी करना जो है हमारे पास वाटर के अंदर जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें कोई और सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है इनके जो नेचर है उनके बारे में अच्छे से नहीं बता पा रहा है, तो डेफिनेटली हमें कोई और सॉल्वेंट चाहिए। जैसे आपके पास सोडियम हाइड होता है, ठीक है, अगर आप इसको इसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के अंदर करवाओ, तो वहाँ से हमें इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के नेचर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कोई और सॉल्वेंट चाहिए जो कि आपके पास क्या करेगा, जो हमारे पास सॉल्यूट्स के नेचर जो होते हैं उनको जो है वो आपके पास स्टडी करवा के दे। अब जो सेकंड फैक्टर्स है, दैट की जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अब आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने बहुत सारी जो है वो आपने नेमिंग रिएक्शन स्टडी की हुई है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन स्टडी की है, अदर रिएक्शन स्टडी की हुई है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स वाटर के साथ वो सेम रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, कोई और सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास जो है वो रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल हो जाती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपके पास एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन बेंजीन की रिएक्शन होती है, जब हम नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन की, तो हम वहाँ पे आपके पास जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम वाटर जो है वो आपका यूज़ नहीं करते। तो सेकेंड हमारा जो पॉइंट रहेगा, दैट विल बी इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी आउट द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन एक्वस मीडियम। दैट इज़ जो हमारा सेकेंड जो हमारा पॉइंट रहेगा, दैट इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी आउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी आउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो जो नाइट्रेशन होती है बेंजीन की, उसको हम एक्वस मीडियम के अंदर जो है परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर आपने देखा ही होगा, जैसे मान लो ये आपका बेंजीन है,
ठीक है, तो बेंजीन की हम नाइट्रेशन करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन आपने देखी होगी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तब आपके पास जो है यहाँ से वी विल गेट अवर नाइट्रो बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम वाटर के साथ जो है परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए अगर आपने मैकेनिज्म अच्छे से अगर पढ़ा हो नाइट्रेशन और बेंजीन रिएक्शन का, जब भी हम नाइट्रेशन करते हैं तो वी आर गेटिंग, ये जो रिएक्शंस होती है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अवर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज अवर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दैट इज़ योर नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। तो नाइट्रोनियम आयन हमारे पास यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके पास जनरेट होता है, ठीक है। तो ये अटैक करते इन हमारे पास बेंजीन और इसकी रिएक्शन होती है, थ्रू विच हमारे पास जो है नाइट्रो बेंजीन जो है वो आपके पास बन के आता है। अब सपोज, अब यहाँ पे तो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कि मैंने यहाँ पे अगर वाटर का यूज़ किया होता, ठीक है, तो अगर मैं वाटर यूज़ करता, ठीक है, तो वाटर आप सभी को पता ही है, ठीक है। वाटर जो है हमारे पास, दिस विल गिव यू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर से हमें हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, ठीक है, यही मिलेगा हमें वाटर से। तो अगर मेरा मीडियम एक्वस मीडियम होता, ठीक है, इफ़ वी यूज़ एक्वस मीडियम, तो हमारे पास क्या होता कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन तो वहाँ पे हमें नेचुरली मिल ही जाते, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास वहाँ पे सॉल्यूशन में होते, तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है हमारे, दे विल रिएक्ट विद दिस इलेक्ट्रोफिलिक, हमारे पास जो रिएजेंट है हमारे पास यहाँ पे, ये नाइट्रोनियम आयन, इसके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन इस नाइट्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करते, सो दिस विल जनरेट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ से हमारा नाइट्रिक एसिड बन जाता, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड जो है आपका एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज़ अगेन अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो हमें परफॉर्म करवानी है नाइट्रेशन, ठीक है, और अगर हम वाटर सॉल्वेंट लेते तो दोबारा से ही हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अगर बनता भी, तो दोबारा से ही नाइट्रिक एसिड जो है वो जनरेट कर देता, दैट मीन्स हमारी रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पानी थी, ठीक है। तो हम नाइट्रेशन रिएक्शन जो है आपके पास वाटर के अंदर जो है वो परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। तो क्लियरली है आपके पास ये कि नाइट्रेशन और बेंजीन जो है वो आपके पास किसी और सॉल्वेंट के अंदर होगी, तो इसको परफॉर्म करने के लिए जो है आपके पास हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी, वहाँ पर आपका ये बिहेव करता है, ठीक है। वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा हमारे पास, ठीक है, और साथ में हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका यूज़ करते हैं वहाँ से हमारे पास ये नाइट्रोनियम आयन की जनरेशन में भी ये हेल्प करता है। दैट इज़ हमारे पास जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, दैट इज़ योर, ठीक है, दिस इज़ अवर नाइट्रिक एसिड, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे सपोज कि अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया होता, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिहेव करता, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि आपके पास जो है वो आपका वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, वाटर रिमूव कर देगा वहाँ से। तो अगर वाटर रिमूव कर देता यहाँ से हमारे पास, ठीक है, तो आपका क्या होना था, तो प्रोटोनिक सॉल्वेंट पहले देखो, सबसे पहले आपके पास प्रोटोनिक सॉल्वेंट है ये, ठीक है, प्रोटोन दे देगा, प्रोटोन देगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से आपके पास इस तरह से हमारा प्रोटोन जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दिस इज़ NO2, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपके पास एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिहेव करेगा, वाटर रिमूव करवा देगा यहाँ से, एंड ठीक है, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, एंड वी आर गेटिंग NO2 पॉजिटिव, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट चाहिए वो हमें यहाँ से जनरेट हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बन के आ गया। तो अगर मैं वाटर लेता तो यहाँ पे रिएक्शन होके आपके पास नाइट्रिक एसिड जो कि आपका एक स्टेबल कंपाउंड है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता। तो आप बोल सकते हैं कि नाइट्रेशन और बेंजीन जो है दे कैन नॉट बी कैरीड आउट इन एक्वस मीडिया, फॉर दिस वी नीड सम अनदर सॉल्वेंट, और इसीलिए हमारे पास जो है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है। नाउ जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्यों चाहिए, दैट इज़ जो थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा, दैट विल बी दैट इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफरेंशिएट द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स इन एक्वस मीडियम। दैट इज़ जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो रीज़न है जिसके लिए हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफरेंशिएट द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स, ठीक है। जब हमारे पास अलग अलग एसिड्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट करना यूजिंग एक्वस मीडियम जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, लेट अस स्टडी। देखो जैसे आप सभी को पता ही है कि मान लो कि हमारे पास चाहे एसिड्स की बात करूँ चाहे मैं बेसिस की बात करूँ, ठीक है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है एक्वस मीडियम के अंदर उनको अगर हम स्टडी करें तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को स्टडी करना। तो जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मान लो कि आपके पास कुछ एक एसिड्स हैं, ठीक है, यू हैव सम एसिड्स
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो आपके पास है कुछ एक एसिड्स लाइक वी हैव परक्लोरिक एसिड, ठीक है, हमारे पास है HClO4 जिसको हम बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, देन वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वी हैव एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये सारे के सारे एसिड जो भी हमारे होते हैं लाइक HI, HBr, ठीक है, तो ये जो हमारे एसिड होते हैं सारे के सारे, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ को अब आप सभी को पता है कि ये सारे के सारे इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ये सारे के सारे जो भी एसिड्स हैं ये सारे के सारे एसिड बिहेव करते हैं और सभी की जो है वो आपके पास डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। लेकिन वाटर के अंदर जो है ये सारे के सारे एसिड जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये सारे के सारे इन सभी की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो सेम लेवल के ऊपर जो है वो आपके पास एक जैसी हो जाती है, ठीक है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो है वो हमें कुछ अलग सॉल्वेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जैसे हमारे ये एसिड्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एसिड बिहेव करते हैं, आप सभी को पता ही है क्योंकि सारे के सारे प्रोटॉन दे सकते हैं आपके पास, ये सभी एसिड्स जो है वो प्रोटॉन डोनर्स हैं, ठीक है, तो सभी की अपनी अपनी डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप सभी को पता ही है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, तो इनमें मैंने आपके पास लिखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड्स, ठीक है। और जब सभी एसिड्स की आपके पास स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है इनको जो है हम वाटर के अंदर जो है वहाँ पे हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं इन सॉल्वेंट्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊँ, सॉरी इन एसिड्स को अगर वाटर के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ तो सारे के सारे जो है आपके पास एक ही हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बना के देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं इन सॉल्वेंट्स अगर मैं इन एसिड्स की रिएक्शन करवाता हूँ विद दी वाटर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सभी को पता ही है परक्लोरिक एसिड, ठीक है, दिस अपॉन रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, तो मैं सारे के सारे एक जैसी रिएक्शंस होंगी, तो मैं एक दो एसिड्स की रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे लाइक HCl इन वाटर, तो अगर मैं इनकी रिएक्शन करवाऊँ वाटर के साथ तो दिस विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन अलॉन्ग विद कंजुगेट बेस दैट इज योर पर क्लोरेट, तो यहाँ से भी हमारा हाइड्रोनियम आयन बनेगा अलॉन्ग विद विल गेट क्लोराइड आयन, ठीक है। सिमिलर जैसे आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, दिस विल गिव यू हाइड्रोनियम आयन एंड आयोडाइड आयन, तो यहाँ से आपके पास जो है सारे के सारे जो है आपके एक जैसे प्रोडक्ट देंगे। तो देखो अब हुआ क्या, ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपके पास कि ये सारे के सारे एसिड जो है इनकी स्ट्रेंथ को डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा इनमें से वीक रहेगा इन वाटर, वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे एसिड जो होते हैं वो वाटर के अंदर रिएक्ट करने के बाद जो है हमारे पास क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारे पास ये जो हमारे पास बन रहा है दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड प्रेजेंट इन दी एक्वस मीडियम, ठीक है, ये एक्वस मीडियम के अंदर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी आपने एसिड्स यूज़ किए लाइक परक्लोरिक एसिड, HCl, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो सारे के सारे जो है वो इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो सारे के सारे, अब देखो इन सभी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ तो सभी की अलग अलग है लेकिन अपॉन रिएक्शन विद वाटर दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एक्वस मीडियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे एसिड जिनकी हमारे पास स्ट्रेंथ जो है अलग अलग है ये सारे के सारे जो है वो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वहाँ पे जो है आपके पास लेबल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं अब जितने भी आपने एसिड्स यूज़ किए सारे के सारे इन सभी की जो है आपके पास स्ट्रेंथ जो है वो एक जैसी हो जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बन रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो ये आपके पास बता नहीं पा रहा है कि कौन जो है आपके पास वीकर है कौन जो है आपके पास स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये खुद ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपने सिंपल सा याद रखना है कि जितने भी एसिड्स हैं सभी की वाटर के अंदर एक जैसी स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है, ऑल द एसिड्स, ठीक है, ऑल द एसिड्स जिनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ है दे हैव द सेम स्ट्रेंथ इन वाटर, ठीक है, सभी की एक जैसी स्ट्रेंथ हो जाती है वाटर में, इसको जो है हम आपके पास बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट, दैट इज़ आप बोल सकते हैं, ठीक है, जितने भी आपने एसिड्स यूज़ किए ऑल एसिड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑल एसिड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, तो ये जितने भी आपने स्ट्रेंथ जितने भी आपने एसिड्स यूज़ किए, ठीक है, सभी की डिफरेंट स्ट्रेंथ है दे आर लेबल्ड, ठीक है, दे गेट्स लेबल्ड टू दी सेम एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेंथ, सेम एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेंथ, तो जितने भी आपने एसिड्स यूज़ किए सारे के सारे जो है इनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी हो जाएगी। तो इसको आप बोल सकते हैं कि इन वाटर, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इन वाटर, ठीक है, ऑल ऑल ऑफ दीज एसिड्स, ठीक है, ऑल ऑफ दीज एसिड्स हैव सेम स्ट्रेंथ,
ठीक है, इन सभी की स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वाटर के अंदर, वो एक जैसी हो जाएगी। तो इसको आप बोल सकते हैं कि जो वाटर है हमारा, ठीक है, जो हमारा वाटर है, इट विल बिहेव एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। जो हमारा वाटर है, दिस विल बिहेव एज योर लेवलिंग सॉल्वेंट। किसके लिए लेवलिंग सॉल्वेंट बिहेव किया? फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स। तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, हमारे पास जब हमारे पास डिफरेंट एसिड्स हों, जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे के सारे एसिड्स जो हैं, दे आर हैविंग द ग्रेटर स्ट्रेंथ, क्योंकि उन सभी में हमारे पास जो है, उनसे ज़्यादा जो है आपके पास एक हमारे पास जो एसिड बन के आ रहा है वाटर के अंदर, दैट इज़ योर हाइड्रोनियम आयन। तो आप बोल सकते हैं दीज ऑल एसिड्स जो होते हैं, दे आर लेबल्ड बाई द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो आप बोल सकते हैं कि इन वाटर ऑल ऑफ दीज एसिड्स हैव सेम स्ट्रेंथ एंड आर दीज आर लेबल्ड, ठीक है, दीज आर लेबल्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, दे आर लेबल्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ, किसकी स्ट्रेंथ के थ्रू? दैट इज़ योर हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन जो है आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एक्वस मीडियम में, तो सारे के सारे जो है वो इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो लेबल हो जाएंगे। तो आप नहीं कंपेयर कर पाओगे कौन सा जो है वो स्ट्रांग है, कौन सा आपका वीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है, अब हमें वाटर के बजाय जो है कोई और सॉल्वेंट चाहिए, तो वी रिक्वायर नॉन एक्व सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमें नॉन एक्व सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि वो आपके पास जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा एसिड्स को, ठीक है। तो जब हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की या बेसिस की, ठीक है, तो हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट हमारा इस तरह का होना चाहिए कि वो आपके पास जो भी आप एसिड्स ले रहे हो या बेस ले रहे हो, उनको जो है वो अलग अलग एक्सटेंट के ऊपर जो है वो उनको आयनाइज करे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वाटर ने सभी को एक ही एक्सटेंट के ऊपर आयनाइज किया, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। तो हमारा सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए, जो भी आप एसिड्स ले रहे हो या बेसिस अगर आप लोगे, तो उन सभी को वो अलग अलग लेवल के ऊपर जो है वो आयनाइज करवाए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्वेंट जो कि हमारे एसिड्स और बेसिस को डिफरेंट एक्सटेंट के ऊपर आयनाइज करवाते हैं, ठीक है, उन सॉल्वेंट्स को हम बोलते हैं आपके पास डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, दैट इज़ अवर डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो हमारे लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें चाहिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स, ऐसा सॉल्वेंट्स, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट जो आपके पास एसिड और बेसिस को जो है वो आपके पास डिफरेंट एक्सटेंट के ऊपर आयनाइज करवाएं, ठीक है। दैट इज़ अ सॉल्वेंट विच आयोनाइजिस, ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस टू डिफरेंट एक्सटेंट, ठीक है, अलग अलग एक्सटेंट के ऊपर आपके पास आयोनाइज करवाए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपका वीक रहे है। तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर वी विल यूज एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आपको पता है कि सारे के सारे ये मैंने जो एसिड लिखे थे, ठीक है, तो ये तो आपके पास एक किस्म के स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यहाँ पे वीक एसिड आपके पास एसिडिक एसिड होता है, ठीक है। तो एसिडिक एसिड जो है हम इसको यूज़ करते हैं एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का एग्जांपल हो गया आपके पास एसिडिक एसिड। तो इसका यूज़ करेंगे हम फॉर टू कंपेयर दी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जिसमें हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा परक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। इसके थ्रू जो है हम आपके पास कंपेयर करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ परक्लोरिक एसिड, ठीक है, देन हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, देन हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। अब देखो एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है हमारे पास ये, ठीक है, दिस इज़ अ वीक एसिड, और ये आपके पास साथ में ये पुअर प्रोटोन एक्सेप्टर भी होता है, दिस इज़ योर पुअर प्रोटोन एक्सेप्टर, ठीक है, दिस इज़ योर पुअर प्रोटोन एक्सेप्टर, ठीक है। तो अब मतलब क्या होगा, जब हम रिएक्शन जब इसको रिएक्ट करवाएंगे विद दीज डिफरेंट एसिड्स, तो मतलब ये आपके पास प्रोटोन एक्सेप्टर भी है, ठीक है। तो अब इसकी टेंडेंसी जो है प्रोटोन एक्सेप्ट करने की इन सभी एसिड के साथ अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो यहीं से हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है, जितनी आसानी से ये प्रोटोन आपका जो है वो एक्सेप्ट कर पाएगा, दैट मीन्स वो सामने वाला जो आपका एसिड होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से उसको प्रोटोन दे सकता है जहाँ से इसने ये आपका प्रोटोन जो है वो एक्सेप्ट किया। तो इन सभी जो आपके यहाँ पे एसिड्स हैं, इनमें से जो आपका परक्लोरिक एसिड होता है, दैट इज़ योर HClO4, ठीक है, दिस विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद द एसिटिक एसिड, ठीक है, ये कम्प्लीटली रिएक्ट करता है, दिस विल गिव यू परक्लोरेट आयन, ठीक है, यहाँ से हमारे पास अलॉन्ग विद वी विल गेट CH3CO, प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा तो दिस विल गिव यू एसीटोनियम आयन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अवर एसीटोनियम आयन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपका एसीटोनियम आयन, ये आपके पास परक्लोरेट आयन, ठीक है। तो बाकी जो आपके एसिड्स हैं, ठीक
ठीक है, वो आपके पास कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं विद दिस एसिटिक एसिड, तो उन सभी की आपके पास जो प्रोटोनेशन होगी वो इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, जब इनकम्प्लीट प्रोटोनेशन होगी तो हम एक्सपेरिमेंटली वहाँ से हम जो इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ है एसिड्स की उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फ्यू एसिड्स, ये जो हमने एसिड्स यूज़ किए इन किस सॉल्वेंट के अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपके पास, जैसे मैं को कहा कंप्लीट आयनाइजेशन सिर्फ फ्लोरिक एसिड की हो रही है, तो दिस बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड फॉलोड बाई हाइड्रोजन आयोडाइड फॉलोड बाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉलोड बाई HCl फॉलोड बाई सल्फ्यूरिक एसिड और लास्ट में हमारे पास नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है एसिड्स का इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट। अब अगर मैं लेकिन बात करूँ आपके पास बेसिस के लिए, ठीक है, ये तो एसिड्स की बात हुई, अगर मैं बेसिस के लिए बात करूँ तो एसिटिक एसिड जो है हमारे पास दिस विल बिहेव एज लेवलिंग सॉल्वेंट। ठीक है, इट बिहेव्स एज अवर लेवलिंग सॉल्वेंट, ठीक है, फॉर बेसिस। अगर मैं बेसिस की बात करूँ तो एसिटिक एसिड आपके पास जो है वो लेवलिंग सॉल्वेंट बिहेव करेगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं अगर एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाता हूँ विद सम बेसिस, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है, सपोज बेस मतलब आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, साइनाइड, इथोक्साइड, अमाइड आयन, अगर मैं इनके साथ रिएक्ट करवाऊँ तो यहाँ से हमारे पास जो है दिस विल गिव यू एसीटेट आयन अलॉन्ग विद विल गेट वाटर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ विद अमाइड आयन कोई और बेस, सो दिस विल गिव यू अगेन एसीटेट आयन बनेगा और साथ में आपका अमोनिया निकल जाएगा। दैट मीन्स सभी के सभी जो है आपके पास दे आर लेबल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसीटेट आयन। ठीक है, अब सभी एसीटेट आयन की स्ट्रेंथ के ऊपर लेबल हो जाएंगे, वही चीज़ आ जाएगी। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे कोई और सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, जो कि आपके पास बेसिस की जो आपके पास स्ट्रेंथ होगी उनको जो है आपके पास कंपेयर करें, तो इसके लिए जो है हम आपके पास एज अ अमोनिया जो है एज अ सॉल्वेंट जो है उसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्यों नॉन एक्वो सॉल्वेंट चाहिए, क्यों हम वाटर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रीज़न है फॉर चूजिंग नॉन एक्वो सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज़ अवर तो जो हमारा फोर्थ रीज़न है दैट इज़ दी स्टेबलाइजेशन। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ एसाइल आयन। ठीक है, एसाइल आयन की स्टेबलाइजेशन, कार्बोनियम आयन की स्टेबलाइजेशन, दिस इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन वी चूज वाटर एज दी सॉल्वेंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पास एसाइल आयन और कार्बोनियम आयन जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हैं वाटर के अंदर। कार्बोनियम आयन मतलब आपके पास कार्बोकेटायंस, ठीक है, और एसाइल आयन जो होता है हमारे पास दिस इज़ योर आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, दिस इज़ कॉल्ड एज ओवर एसाइल आयन। और कार्बोनियम आयन तो आप सभी को पता है कार्बोकेटायंस हमारे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं वाटर एज अ सॉल्वेंट चूज़ करता हूँ तो वाटर सॉल्वेंट है आपके पास, दिस विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है, तो जैसे मैंने बात की एसाइल आयन की और जो आपके कार्बोनियम आयन दैट इज़ योर कार्बोकेटायन, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल है तो दैट मीन्स इट कैन अटैक। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक कर जाएगा, एसाइल आयन के ऊपर अटैक कर जाएगा, कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक कर जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास ये जो रिएजेंट है अब ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये इनका इलेक्ट्रोफिलिक जो करैक्टर है उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास जो है वो वाटर के साथ जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। तो इनको अब हमें स्टेबलाइज करने के लिए हमें कोई और सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कि इनको स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें नॉन एक्वो सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये जो आपके एसाइल आयन होते हैं और कार्बोनियम आयन होते हैं दे कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग सम नॉन एक्वो सॉल्वेंट लाइक एसिड्स को अगर हम यूज़ करें तो वहाँ पे ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर, तो अगर मैं आपको बोलूँ वी हैव ट्राइफिनाइल, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे वी हैव एल्कोहल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एल्कोहल है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ, ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका आपका जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, दिस इज योर जो कार्बोकेटाइन बन के आया यहाँ से आपके पास, ठीक है, यहाँ पे तीन फिनाइल ग्रुप है, ट्राइफिनाइल जो है हमारे पास यहाँ, कार्बोकेटाइन जो है मिथाइल कार्बोकेटाइन हमारे पास, ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा, अलॉन्ग विद दिस वी आर गेटिंग हाइड्रोनियम आयन और साथ में आपका बाइसल्फेट आयन बन जाएगा, ठीक है, तो रिएक्शन जो है उसको आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ईजिली बैलेंस आउट द रिएक्शन, ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड। तो इस तरह से जो है आप डिफरेंट सॉल्वेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास जो है ट्राइफिनाइल, देन दिस इज कार्बन, दिस इज क्लोरीन, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अगेन वी आर गेटिंग आवर कार्बोकेटायन, ठीक है, तो इनको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, ठीक है, अगेन हमारे पास एक अनदर सिस्टम है सिमिलरली, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह के जो सिस्टम्स होंगे इनको जो है हम वाटर के अंदर जो है वो स्टेबलाइज नहीं करवा सकते हैं, तो इसके लिए जो है आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, तो दिस इज़ योर कार्बोकेटाइन अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग, यहाँ से हमारे पास बाइसल्फेट आयन बनेगा अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, तो रिएक्शन को आप खुद बैलेंस कर सकते हैं, तो ये तो एग्जांपल थे हमारे पास कार्बोकेटाइन के। अब हम बात करते हैं हमारे जो एसाइल आयन है, ठीक है, इसकी बारे में हम बात कर लेते हैं, तो वी हैव कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इज़ योर फिनाइल, दो फिनाइल, तो आई एम टेकिंग यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, दिस इज़ योर बेंजीन रिंग, ठीक है, कार्बन, दिस इज़ OH, दिस इज़ फिनाइल, दिस इज़ फिनाइल, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एसाइल आयन जो हमारा उसको जो है हम यहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे, तो आई एम यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एज अ मीडियम, ठीक है, तो बैलेंसिंग आप खुद से कर सकते हैं, वी आर गेटिंग PH2C, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन आपका यहाँ से, एंड दिस इज़ अगेन बेंजीन एंड सी, वी आर हैविंग दो फिनाइल ग्रुप, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ इसको, फिनाइल 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 फिनाइल, ठीक है, दिस इज़ योर कार्बोकेटाइन, सो दिस इज़ अगेन योर कार्बोकेटाइन सिस्टम, ठीक है, तो हम नेक्स्ट सिस्टम लेते हैं एज अ एसाइल सिस्टम, ठीक है, अभी तक आपका एसाइल सिस्टम नहीं आया, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे के सारे कार्बोकेटाइन है, ठीक है, एसाइल सिस्टम हम लेंगे, सो दिस इज़ योर बेंजीन रिंग, ठीक है, नाउ दिस इज़ कार्बन डबल बॉन्ड ओ, एंड दिस इज़ अगेन योर बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, तो ये है मेरा सिस्टम, ठीक है, ध्यान से आप इसको नोट करना, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में दिस विल गिव यू सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एंड यहाँ से हमारे पास जो है वी आर गेटिंग दिस इज़ योर कार्बन डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज़ योर पॉजिटिव, ठीक है, तो दिस इज़ योर एसाइल आयन जनरेटेड, ठीक है, तो ये हमारा एसाइल आयन है विच इज़ स्टेबलाइज्ड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। फर्दर अब आप सभी को पता है ऑक्सीजन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक होती है, ठीक है, इट हैज़ लोन पेयर, दिस विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल गिव यू कार्बन, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आएगा एंड वी आर हैविंग कार्बन, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, तो वी आर हैविंग ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड अलॉन्ग विद डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है अब आपके पास, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, डबल बॉन्ड है साथ में, ठीक है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर एंड वी आर हैविंग ये थिंग, ठीक है, हमारे पास ये बन के आ जाएगा, तो दिस इज़ अ बेसिक सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि ये वाला लोन पेयर जो है जब अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास स्टेबलाइजेशन हो रही है एसाइल आयन की और कार्बोनियम आयन की बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। जो हमारा नेक्स्ट रीज़न है अब, दैट इज़ अवर फिफ्थ रीज़न फॉर चूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो हमारा जो नेक्स्ट रीज़न है दैट इज़ नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो होते हैं हमारे,
दे कैन स्टेबलाइज डाई पॉजिटिव कार्बोनियम आयन। ठीक है, डाई पॉजिटिव कार्बोनियम आयन हमारे पास जो है उनको ये स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एग्जांपल भी दिया था एक, दिस इज़ योर डाई पॉजिटिव, मतलब दो आपके पास यहाँ कार्बोकेटायन जो है बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इनको जो है आपके पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है स्टेबलाइज करवा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो हैं वो साथ में कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हैं उनको भी आपके पास प्रिपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास वाटर सॉल्वेंट के अंदर तो कभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये हमारे पास जो है वो हेल्प कर रहे हैं इन द सिंथेसिस ऑफ सम अनयूजुअल कंपाउंड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बात की डाई पॉजिटिव कार्बोनियम आयन जो है इनको हमने स्टेबलाइज करना है। ये जो कंपाउंड होते हैं डाई पॉजिटिव कार्बोनियम आयन, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं एक्वस मीडियम के अंदर। ठीक है, दीज आर वेरी अनस्टेबल स्पीसीज, लेकिन ये स्टेबलाइज हो सकती है बाय यूजिंग सम नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एग्जांपल के तौर के ऊपर आप ये वाली रिएक्शन लिख रहे, पहली रिएक्शन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन आपकी यही आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन आप इसको लिखो, सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपके पास ये रहा। ठीक है, यहाँ से आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है दिस इज कार्बन कार्बन। ठीक है, यहाँ आपके दो फिनाइल ग्रुप आ जाएंगे एंड दिस इज़ योर ऑक्सीजन बाई एडिंग इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट जो है हम इनको यहाँ पे स्टेबलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो वी आर गेटिंग कार्बन दो फिनाइल ग्रुप विद पॉजिटिव चार्ज, अगेन कार्बन विद दो फिनाइल ग्रुप एंड पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रही है हमारे पास डाई पॉजिटिव कार्बोकेटाइन की। ठीक है, साथ में आपके पास बाईसल्फेट और जो है आपका हाइड्रोनियम आयन जो है वो साथ में निकल जाएगा। तो आप बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को इजीली। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए, फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड वाला आपका एग्जांपल ये वाला हो गया। और जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे फाइनल में, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो साथ में आपको थोड़ा मेंशन भी करना है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है दे कैन स्टेबलाइज डाई पॉजिटिव कार्बोनियम आयन। ठीक है, वाटर जो है इट दिस डाई पॉजिटिव कार्बोनियम आयन जो है दे बिकम अनस्टेबल बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, सो दे कैन गेट स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे इस तरह से आप सभी को मेंशन करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट रीजन है दैट इज़ योर सिक्स्थ। ठीक है, कि क्यों हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट रीजन है दैट इज़ अवर सिक्स्थ रीजन, हमारे पास कुछ एक नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, रिडक्शंस होती हैं, जिनको हम एक्वस मीडियम के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे विल नॉट बी परफॉर्म्ड इन दी एक्वस मीडियम, लेकिन उन रिडक्शंस को हम, उन रिएक्शंस को हम नॉन एक्वस मीडियम के अंदर जो है वो आसानी से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपके पास लेने जा रहा हूँ बिर्क रिडक्शन को। ठीक है, आई एम चूजिंग बिर्क रिडक्शन। ठीक है, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा ही हुआ है, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको होती थी ये बिर्क रिडक्शन। तो अगर आपको ध्यान में हो, ये जो रिडक्शन होती है दिस टेक प्लेस इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर होती है और इस रिएक्शन को हम वाटर के अंदर जो है वो परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ब्रिज रिएक्शन में हमारे पास क्या होता था कि आपका जो बेंजीन है, ठीक है, दिस इज़ योर बेंजीन। ठीक है, रिडक्शन करेंगे हम बाय यूजिंग लिक्विड अमोनिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में हमारे पास रिडक्शन होगी यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो वी विल गेट, यहाँ से हमारे पास अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन लिखना चाहो, ठीक है, तो जो आपका डायरेक्ट रिडक्शन होती है ब्रिज रिडक्शन आपकी, ठीक है, बेंजीन के साथ, दिस विल गिव यू इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, रिडक्शन होती है आपके पास, दिस विल जनरेट, दिस विल गिव यू, ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है ये, दिस विल अटैक हेयर, दिस बॉन्ड गेट शिफ्टेड, दिस कम्स हेयर। ठीक है, एंड वी आर गेटिंग, यहाँ आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, वी आर गेटिंग नेगेटिव चार्ज ओवर हेयर। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेडिकल जनरेट हो जाएगा अगेन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो वी आर गेटिंग प्रोटॉन्स हेयर। ठीक है, एंड वी आर हैविंग हाइड्रोजन एंड यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास एंड वी आर गेटिंग यहाँ से हमारे पास जो है दिस इज़, अब यहाँ पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दिस बिकम नेगेटिव। ठीक है, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, वी आर हैविंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज़ योर प्रोडक्ट। तो ये जो रिडक्शंस होती हैं, इन रिडक्शन को हम वाटर के अंदर जो है परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो है हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है फॉर चूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट विल बी दिस इज़,
तो जो नेक्स्ट रीजन है हमारा, सिंथेसिस ऑफ सम इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस वेयर मेटल एग्जिस्ट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट इवन इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कुछ एक हम इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस बना सकते हैं बाई यूजिंग नॉन एक्वो सॉल्वेंट, जहाँ पे आपका मेटल जो होता है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, दैट इज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे है, आई एम टेकिंग योर पोटाशियम साइनाइड। ठीक है, आई एम टेकिंग KCN पोटाशियम साइनाइड, दिस अपॉन रिएक्शन विद निकल टेट्रा साइनाइड। ठीक है, दिस अपॉन रिएक्शन विद निकल टेट्रा साइनाइड इन लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा, दिस विल गिव यू K2। ठीक है, Ni निकल टेट्रा साइनो पोटाशियम टेट्रा साइनो निकलेट। ठीक है, तो हमारे पास ये बन के आएगा। तो यहाँ से अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ठीक है, तो निकल यहाँ हुआ है हमारे पास, यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस विल बी +2। ठीक है, अब सिमिलर इसी कंपाउंड के अंदर मैं अगर आपके पास फिर से अगर मैं पोटाशियम की एडिशन करता हूँ, ठीक है, दिस कंपाउंड अगर मैं इसके अंदर जो है आपके पास पोटाशियम आयन अगेन फिर से ऐड करूँ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, दिस विल गिव यू K3NiCN2O4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये बन के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो निकल की, ठीक है, 3 पोटाशियम आयन 4 साइनाइड, दिस विल बी +1। ठीक है, अगेन सेम सॉल्वेंट और मैं यहाँ पे पोटाशियम की एडिशन करूँगा, ठीक है, दिस विल गिव यू K4, सॉरी दिस इज निकल नॉट आयरन, NiCN2O4। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 साइनाइड 4 पोटाशियम, निकल जो है दिस एग्जिस्ट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास जीरो। तो देखो यहाँ पे आप इस तरह के जो है वो इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस जो है वो बना सकते हैं, जहाँ पे आपके पास मेटल जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अभी अभी आप रिसेंटली आपने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास है मैंगनीज कार्बोनिल। ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन करने जा रहा हूँ विद पोटाशियम, सेम सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया। ठीक है, आप सभी ने रिएक्शन स्टडी की हुई है, दिस विल गिव यू K2MnCO5O2। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आएगा। और आप सभी को पता ही है कार्बोनिल हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है, अगर मैं यहाँ से मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूँ, सो दिस इज़ -1। ठीक है, नोट -2, क्योंकि यहाँ पे आपके दो मैंगनीज हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको अलग भी ले सकते हैं, ये आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज़ योर नथिंग एल्स बट KMnCO5। ठीक है, यही चीज़ है। तो ये आपने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन स्टडी की हुई है। लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं, आयरन पेंटाकार्बोनिल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ठीक है, सेम सॉल्वेंट है, लिक्विड अमोनिया वही है। तो आपके पास जो रिएक्शन होगी, ये तो आपने रिएक्शन पढ़ी भी होगी, दिस विल गिव यू Na2FeCO4। साथ में यहाँ पे आपके पास कार्बोनिल निकल के आएगा। तो कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, आयरन जो है यहाँ पे आपके पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरह के कम्प्लेक्सेस जो हैं इनको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको हम बना सकते हैं बाई यूजिंग नॉन एक्वो सॉल्वेंट, जहाँ पे मेटल जो है आपके पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट रीज़न है, दैट इज़ अवर 8th रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रीज़न है, तो हमारा जो 8th रीज़न है, दैट इज़ स्टेबलाइजेशन ऑफ सम अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज़ नॉट पॉसिबल इन वाटर। तो ये जो -2 मैंने लिखा, दिस इज़ यहाँ पे ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो कुछ ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं हमारे पास जो कि वाटर में आपके पास स्टेबल नहीं होती हैं, तो उनको जो है हम बाई यूजिंग नॉन एक्वो सॉल्वेंट जो है वो आपके पास स्टेबलाइज करवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, आई एम टेकिंग बोरोन ट्राइक्लोराइड, इट्स रिएक्शन विद पोटाशियम थायोसाइनेट। ठीक है, सॉल्वेंट है आपके पास लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, तो अगर आप ये रिएक्शन करोगे यू विल बी गेटिंग, ठीक है, ट्राई थायोसाइनेटो, ठीक है, बोरेट हमारे पास ये बन के आएगा एंड वी आर गेटिंग KCl। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो तो आप देख सकते हो बोरोन जो है यहाँ पे आपके पास इट एग्जिस्ट इन दिस इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली
हमारे जो मेटल होते हैं लाइक सेलिनियम एंड टेल्यूरियम, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूबल होते हैं एसिड्स के अंदर लाइक सल्फ्यूरिक एसिड्स. तो ये आपके पास रेड एंड हमारे पास जो ग्रीन एंड रेड कलर के सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास जो है आपके पास फॉर्मेशन होती है कुछ कंपाउंड्स की. तो जो रिएक्शन होती है हमारे पास दैट इज़ सेलिनियम की बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. यहाँ से मैंने जैसे आपको कहा, मैंने सेलिनियम जो होता है हमारे पास ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन देता है. तो हमारे पास एक सेलिनियम का कंपाउंड जो यहाँ से बनता है दैट इज़ SE8 विद 2+, SE8 2+ एंड दिस इज़ ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है. ग्रीन कलर का होता है, साथ पे आपके बाकी प्रोडक्ट हाइड्रोनियम आयन. बैलेंस आप खुद कर लेना रिएक्शन को बाद में. दिस इज़ योर बाईसल्फेट आयन अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. यहाँ से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, 8 सल्फर. सिमिलरली टेल्यूरियम ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड दिस विल गिव यू दिस इज़ TE4 टेल्यूरियम 4 2+ अलॉन्ग विद सेम वही रिएक्शन है, ठीक है. हाइड्रोनियम आयन जो है आपके पास ये बन के आएंगे और साथ में जो है आपके पास सॉरी दिस इज़ नॉट H3SO4 दिस इज़ योर हाइड्रोनियम आयन प्लस बाइसल्फेट अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है. तो जो टेलिनियम होता है दिस इज़ ऑफ रेड कलर, ये आपके पास रेड कलर का होता है. तो देखो जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास स्टेबलाइजेशन ऑफ अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ से अगर आप सेलिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है, 8 सेलिनियम है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है इसकी, ठीक है. ये 8 सेलिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एक की आपके पास 1/4 आएगी, ठीक है. सिमिलरली 4 टेलीरियम एटम है यहाँ पे, इनकी इनके ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है. तो इन 4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, एक की जो है आपके पास 1/2 आएगी, ठीक है. तो यूजली इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास वाटर के अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं. सिमिलरली आपके MSc फर्स्ट में एक प्रैक्टिकल है, ठीक है, वहाँ पर आप आयोडीन यूज़ करते हो, ठीक है. वहाँ पर हमारे पास एक आपके पास एक कंपाउंड बनता है एक आयोडीन का जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडेट, ठीक है. आप शायद पोटाशियम आयोडेट का यूज़ करोगे वहाँ पे विद सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आपका कोई भी HCl होगा वहाँ पे. तो वी आर गेटिंग हमारे पास एक वहाँ पे आयोडीनियम आयन जनरेट होता है, ठीक है. तो इनको भी हम जो प्रिपेयर करवाते हैं बाय यूजिंग नॉन एक्वो सॉल्वेंट अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग हाइड्रोनियम आयन एंड यहाँ से हमारे पास जो है बाईसल्फेट जो है एज अ प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है. अब जो हमारा नेक्स्ट रीज़न है दैट इज़ अवर 9th रीज़न, ठीक है. तो इसके बाद मैं एक ही लिखूंगा, दिस इज़ अवर सेकेंड लास्ट रीज़न. तो हमारा जो 9th रीज़न है दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ सम अनयूजुअल एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है. हम कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस तरह के प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो वाटर के अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, उनको हम वाटर के अंदर नहीं बना पाते हैं. इसके लिए जो है हमें नॉन एक्वो सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक रिएक्शन लिखी थी, ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल में बोरोन ट्राइक्लोराइड विद इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम थायोसाइनेट. तो यहाँ से हमारा जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ ट्राई थायोसाइनेटो बोरेट, ये जो हमारा कंपाउंड है दिस इज़ नॉट ईजिली प्रिपेयर इन वाटर. तो इसके लिए हमें लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड मीडियम का यूज़ करना पड़ता है. अलॉन्ग विद दिस वी विल गेट 3 KCl. सिमिलरली सिलिकन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अवर दिस KSCN, ठीक है, अगेन सेम मीडियम और यहाँ पे आपके पास 4 लग के आ जाएंगे अब, ठीक है, और 4 KCl रिमूव होंगे, ठीक है. और तो ये हमारे पास कुछ एक प्रोडक्ट है हमारे पास. तो इस तरह के जो हमारे अनयूजुअल एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको जो है हम आपके पास नॉन एक्वो सॉल्वेंट के अंदर जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं. अब हमारा जो लास्ट रीज़न है फॉर चूजिंग नॉन एक्वो सॉल्वेंट इज़ दैट, तो हमारा जो लास्ट रीज़न है दैट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है. हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना सकते हैं जहाँ पे हमारे पास होमो और हिटरो बाईमेटालिक बॉन्ड्स जो हैं वो पॉसिबल हो, ठीक है. तो इसको बनाने के लिए हमें नॉन एक्वो सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. तो नॉन एक्वो सॉल्वेंट हमारे लिए हेल्प करते हैं जिसके थ्रू जो है हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना सकते हैं जहाँ पर हमारे पास जो है वो मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड हो, ठीक है. तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जहाँ पे हमारे पास जो है मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड हो उनको हम बनाएंगे बाय यूजिंग नॉन एक्वो सॉल्वेंट. तो एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है. एग्जांपल के तौर पे वी हैव ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड, ठीक है. आई एम रिएक्टिंग दिस कंपाउंड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक
अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया के साथ, एंड वी आर गेटिंग ट्राइफिनाइल टिन सोडियम एंड वी आर हैविंग NaCl एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ट्राइफिनाइल टिन सोडियम जो है हमारे पास, ये ट्राइफिनाइल टिन सोडियम जो है, अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। दिस इज ट्रीटेड अगेंस्ट ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड, इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा विद ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड, ये जो हमने लिया था स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो जब मैं इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है, तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा एंड वी आर गेटिंग टिन एंड टिन बॉन्ड, हमारे बीच यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वी आर गेटिंग, दिस इज़ योर हेक्साफिनाइल, ठीक है, स्टेनेट, हेक्साफिनाइल डाइटिन या फिर आप स्टेनेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो है निकल के आके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बन के आया कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड है। तो होमो की मैंने बात की थी, होमो बाइमेटालिक बॉन्ड, मतलब सेम, होमो मीन्स सेम, हिट्रो मीन्स अलग अलग आइटम होंगे हमारे पास, तो मेटल आइटम अलग अलग हो जाएंगे हमारे पास। जब मेटल आइटम एक जैसे होंगे तो हमारे पास होमो होंगे, तो यहाँ पे होमो बायोमेटालिक बॉन्ड है हमारे पास। अब हम लेते हैं, हम हिटेरो बायोमेटालिक बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यही लेके चलेंगे हम, ट्राइफिनाइल टिन सोडियम, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाऊँगा, आप मेटल चेंज कर दो बस, ठीक है। तो दिस इज़ ट्राइफिनाइल जर्मेनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अगेन सॉल्वेंट, तो आपका अमोनिया ही है, लिक्विड अमोनिया। सो दिस इज गेटिंग टिन और जर्मेनियम के बीच में यहाँ बॉन्ड एंड वी आर गेटिंग NaCl, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के कंपाउंड बनाने हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो नॉन एक्वा सॉल्वेंट लेने पड़ते हैं, वाटर में इस तरह के कंपाउंड नहीं बन पाते हैं आपके पास। तो ये आपकी मैंने यहाँ पे 10 रीज़न जो है मैंने मैंशन किए हैं, जिनका यूज़ करके जो है आप ऑर्गेन, जहाँ से आप बता सकते हैं कि क्यों हमें नॉन एक्वा सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है, आखिर क्यों हमारा वाटर जो है वो फेल होता है एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ नॉन एक्वा सॉल्वेंट, ठीक है, तो आपने अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो आपके पास ये 10 है, तो आप यहाँ से 10 पॉइंट्स जो हैं इनको आप लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में आता है या आपका 12 मार्क्स तक आता है, तो आप थोड़े से पॉइंट जो है वो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास लेंथ कितनी आएगी, आप क्वेश्चन जितनी लेंथ रखोगे वो डिपेंड करेगा आपके पास मार्क्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनके थ्रू जो है आप, जिनको आप मेंशन कर सकते हैं कि क्यों हमारा वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट फेल होता है, ठीक है। तो इन सभी रीजंस को आप मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपको इन रीजंस में कहीं पे भी कोई डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।